अभी हाल ही में आपने एक बयान दिया बेगूसराय में कि मोदी ने अब ईवीएम हैक करने के बदले सीएम हैक करना शुरू किया है, तो इसको थोड़ा इलोबरेट करेंगे क्या, मतलब ये किस संदर्भ में था? देखिए, चुनावी सभाओं में लोग अपने राजनीतिक विरोधियों पे तंज करते हैं। एक्चुअली उस सभा में, उस भाषण में मैंने दो राजनीतिक जो है तंज किया था। पहला तंज ये किया था कि आप ज्यादा मुझे देशद्रोही कहेंगे तो भाजपा ज्वाइन तो मैं करूंगा। भाजपा ज्वाइन करूंगा। ये तंज मैंने इसलिए किया कि भाजपा जितने भी आरोप लगाते हैं अपने राजनीतिक विरोधियों पे, वो सारे आरोप धुल जाते हैं जो ही वो इंसान उस पार्टी का हिस्सा हो जाता है। और हमने उदाहरण दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, कि पिछली बार जब मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा था तो बीजेपी भर भर के उनको गालियां निकाल रही थी, सब कुछ कह रही थी, और आज जो है वो भाजपा में शामिल हो गए हैं तो बहुत अच्छे हो गए हैं। मैंने मुकुल राय का उदाहरण दिया कि उनके ऊपर घोटाले करने का आरोप था, लेकिन वो जो ही भाजपा ज्वाइन कर लिए टीएमसी छोड़ करके तो बहुत अच्छा हो गए। तो ये बीजेपी का जो आरोप है वो निराधार है, और ये अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को उनका चरित्र हनन करने के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग बहुत हिपोक्रेट लोग हैं, हिपोक्रेसी इनके भीतर भरी हुई है, इनके अंदर डेमोक्रेसी नहीं, हिपोक्रेसी कूट कूट करके भरी हुई है। तो इसका विरोध जो है हमने किया था। दूसरा तंज हमने किया कि लोग चिंता जाहिर करते हैं ईवीएम का, बीजेपी तो बिहार सीएम ही हैक कर ली। आप मैंडेट देखिए 2015 के चुनाव का, वो मैंडेट भाजपा को नहीं मिला, वो मैंडेट भाजपा के खिलाफ था। वो मैंडेट नीतीश जी को मिला, आरजेडी को मिला, कांग्रेस को मिला, क्योंकि वो दल साथ में थे। हमको भी नहीं मिला क्योंकि लेफ्ट पार्टी जो है 2015 में उस महागठबंधन का हिस्सा नहीं थी, तो हमको भी नहीं मिला। ऐसा नहीं कह रहे कि हमको मिला। तो फिर जो है सीएम जो है कैसे उस मैंडेट को छोड़ करके फिर उसी पार्टी के साथ चले गए। तो ये हमने एक पॉलिटिकल सवाल उठाया कि जब आप अपने प्रतिनिधि को चुन रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका प्रतिनिधि चुन करके जाए और रिजॉर्ट रिजॉर्ट ना घूमे, जैसे कोना कोना कौन कोना होता है। हमने जिसने ऊपर भरोसा जताया है, उनकी विचारधारा पे भरोसा जताया है, वो अपनी विचारधारा पे टिके रहे। उनकी विचारधारा और उनका राजनीतिक घोषणा पत्र वो हर एक माल की दुकान में बिकने वाला नहीं हो। वो जो है उनकी समझ, उनकी समझदारी, उनके राजनीतिक प्रतिबद्धता उनके काम में दिखना चाहिए। ऐसी लोकतंत्र की हालत बना दी गई है जैसे लोकतंत्र ऑन सेल हो, कि भाई जीत करके आए किसी और पार्टी से, रिजॉर्ट में बैठे हुए हैं किसी और पार्टी के, वोट लिया किसी और नारे से, सरकार बना लिया किसी और के साथ। आप हरियाणा का उदाहरण लीजिए, दुष्यंत जी का भाषण उठा करके देख लीजिए, भर भर करके जो है बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे, जब परिणाम आया तो उनके साथ सरकार बना लिए। तो मैं कन्हैया बस जी, यही इसमें कहना था। आप भी इस्तेमाल हो जाते हैं असल में राष्ट्रीय राजनीति में। देखें जैसे दिल्ली विधानसभा के जब चुनाव होने थे तो 4 साल जी तक अरविंद केजरीवाल ने आपके खिलाफ 4 सीट की अनुमति नहीं दी, लेकिन जब चुनाव हो रहा था और उनको लगा कि कुछ फायदा हो सकता है तो उन्होंने ये अनुमति दे दी। आपको क्या बिल्कुल, लगता है कि आपका भी इस्तेमाल होता है? ये अलग बात है कि आप रिजॉर्ट नहीं जा सकते चूंकि आप छात्र नेता रहे हैं और अभी विधायक या सांसद नहीं 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 है, लेकिन छात्र इस्तेमाल नेता भी होता है। रिजॉर्ट जाते हैं आलोक जी, अच्छा छात्र हाँ नेता भी रिजॉर्ट जाते हैं। दिल्ली में ही दो विश्वविद्यालय हैं, और विश्वविद्यालय हैं लेकिन दो विश्वविद्यालय में चुनाव होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू। आप देख लीजिए कि जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र नेता भी रिजॉर्ट जाते हैं, वहां किस तरीके से इलेक्शन होता है। देखिए, ये राजनीतिक शुचिता का प्रश्न है जिसपे मैं बार बार अपनी बात रखता हूं कि अगर हम देश को ठीक रखना चाहते हैं तो हमको देश की राजनीति को ठीक रखना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज से संबंधित नीति का निर्धारण राजनीति से होता है। इसीलिए अगर राजनीति ठीक रहेगी तो समाज भी ठीक रहेगा, देश भी ठीक रहेगा। इसलिए हम तो ये प्रश्न उठा केजरीवाल ने रहे हैं। अपना राजनीतिक इस्तेमाल किया आपको लगता है ऐसा नहीं करके नहीं इलेक्शन? केजरीवाल हमारा राजनीतिक इस्तेमाल कैसे करेंगे और कैसे कर सकते हैं? वो एक कानूनी चीज है, वो एक कानूनी प्रक्रिया है। उस कानूनी प्रक्रिया में अगर किसी भी इंसान के ऊपर सेडिशन का चार्ज लगा है तो राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। दरअसल उसमें सारा खेल तो बीजेपी ने किया, क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन है, और हमारे जो गृह मंत्री साहब हैं उनका जो बेटा है वो जो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना है, उस पे हम बार बार सवाल पूछते हैं कि भाई तुम मेरिट की बात करते हो, तुम्हारी क्या मेरिट है,
किस मेरिट से तुम बीसीसीआई की सेक्रेटरी बना दिए गए हो, तो बेटा के बारे में बोलिएगा तो बाप को गुस्सा लगेगा कि नहीं लगेगा? स्वाभाविक बात है कि आपके बेटे के बारे में कोई बोलेगा तो आपको बुरा लगेगा, तो उनको गुस्सा लगने लगता है। उसको कहते हैं बिहारी भाषा में कि मिर्चाए लगता है भाजपा को। तो मिर्चाए जब उनको लगा तो जो है वो आनन फानन में जो है हमारे खिलाफ चार्जशीट कर दिए। अब चार्जशीट कर दिए बिना अनुमति लिए, तो अनुमति तो लेना पड़ेगा। अब दिल्ली सरकार की क्या मजबूरी है ये समझिए। दिल्ली सरकार ने एक जांच करवाया, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी करवाई, और डीएम की इंक्वायरी में मुझे निर्दोष पाया गया, तो उस इंक्वायरी के बेसिस पे वो निर्णय ले कि दिल्ली पुलिस के जो है चार्जशीट पे के बेसिस पे जो है निर्णय ले। फाइनली उन्होंने कहा कि एक प्रक्रिया है, डिसीजन जो है वो कोर्ट को लेना है। अब सारा डिस्कोर्स जो है भाजपा ने इसी बात पर ला करके टिका दिया कि केजरीवाल ही बचा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है भैया परमिशन ले लीजिए, वो तो फाइनल निर्णय जो है वो कोर्ट लेगी। अभी तक जो है उस पर कुछ नहीं हुआ है, मतलब कोई ट्रायल नहीं शुरू हुआ है। और जब दिया गया परमिशन तो हमने आपको और आपके जैसे तमाम मीडिया साथियों को हमने कहा कि हम स्पीडी ट्रायल चाहते हैं। अब देखिए ना कि परमिशन जो है वो फरवरी में मिला, 28 तारीख को रैली की है पटना में लाखों लोगों की, और 28 तारीख को परमिशन मिला। तब से लेकर के आप अब तक इंतजार कर रहे हैं कि जो है कब स्पीडी ट्रायल शुरू होगा। स्पीडी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, लेकिन भाजपा को जो कहीं ये भ्रम हो कि केस करके मुकदमा करके वो हमको डरा देगी, तो वो शायद जानते नहीं है बिहारियों को ठीक से। बिहार में दशरथ मांझी हुए थे, पहाड़ का जो अवरोध था, जो पहाड़ विशाल खड़ा था उसको काट करके रास्ता बना दिया था। जो पहाड़ काट करके रास्ता बना सकते हैं तो हम लोग भाजपा को हरा करके भी रास्ता बना सकते हैं, कि कानूनी दाव पेच से हम लोग घबराने वाले नहीं है। एक वैचारिक दाव भी खेला है जेपी नड्डा ने। आप सुन रहे होंगे पिछले एक हफ्ते से जितनी सभाएं उन्होंने की है, खासकर शाहबाद इलाके में और चंपारण के इलाके में, उन्होंने ये कहा कि ये जो आरजेडी है वो लेफ्ट यूनिटी के नाम पर वर्ग संघर्ष, बहुत दिनों बाद इस तरह का डिस्कोर्स बिहार के चुनाव में दिख रहा है, वर्ग संघर्ष पैदा करना चाहती है, और वो जो जातीय दंगों की एक का इतिहास रहा है उसको दोबारा लाना चाहती है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये जो एक हमला हुआ है, वैचारिक हमला, इसको आप कैसे देखते हैं? और क्या आप माने के उम्मीदवारों के समर्थन में भी जाएंगे प्रचार करने? देखिए, मैं बारी बारी से दो प्रश्न है इसमें, दोनों का जवाब दे देता हूँ। एक तो मैं इधर उधर की बात पे कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन आप पूछ रहे हैं, पत्रकार हैं, जवाब नहीं देंगे तो आप कहेंगे कि जवाब नहीं दिया। तो ये जो जेपी नड्डा हैं, ये अनुकंपा प्राप्त नेता हैं। सबको पता है कि भाजपा के नेता मोदी जी हैं, ये अनुकंपा प्राप्त नेता हैं। तो वो जो है नड्डा जी, वो चाहते हैं कि बिहार में गड्ढा खोदा जाए। तो जेपी नड्डा को हम लोग कभी कभी मजाक में जेसीबी का गड्ढा भी बोलते हैं। तो वो जो गड्ढा खोद रहे हैं, वो जो गड्ढा उत्तर प्रदेश में खोद रहे हैं, वो चाहते हैं कि बिहार में भी खोदें। तो ये होने वाला नहीं है। इनका जो मुद्दा भटकाने का राजनीति है उसमें हम लोग फंसने वाले नहीं है। हम लोगों का सीधा सवाल है कि 15 साल से आप सरकार चला रहे हैं, इस सरकार में जो आपने वादे किए थे वो वादे पूरे क्यों नहीं हुए हैं? चाहे केंद्र सरकार में भाजपा के जो वादे थे उसका सवाल हो, या बिहार में बिहार की जनता को जो किया गया वादा है उसका सवाल हो। ये कहे थे ना कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाया जाएगा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलवाया गया? ये सब लोग का काम यही है, जैसे अंग्रेज करते थे ना डिवाइड एंड रूल, बीजेपी करती है डाइवर्ट एंड रूल। डाइवर्जन का बात बोलो, लोगों को गैर जरूरी मुद्दों में उलझाओ, और जनता के असली सवालों से लोगों का ध्यान भटकाओ। जो इनका जो ध्यान भटकाओ योजना है उसमें हम लोग फंसने वाले नहीं है। रही दूसरी बात कि हम किसका प्रचार करेंगे, आप ये जान लीजिए कि मैं कम्युनिस्ट पार्टी का एक कैडर हूँ, और कम्युनिस्ट पार्टी हमको जो जो कहेगी, कहेगी भाषण देने के लिए भाषण देगी देंगे, कहेंगी दरी बिछाने के लिए तो दरी बिछाएंगे, जहां जहां कहेगी वहां वहां जाके प्रचार करेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा, एक तो इसी बहाने आप क्या, आपको लगता है कि इस बार जो एक समय पूरब का लेनिनग्राद कहा जाता था बेगूसराय को खास तौर पे, वो जो पहचान खो गई थी वो वापस पाने में तेजस्वी यादव आपकी मदद कर रहे हैं? देखिए, लेनिनग्राद को वापस नहीं पाना है, ये बिहार की धरती है, बिहार के लोगों को लेनिन और मार्क्स की क्या जरूरत है? बिहार में जगदेव बाबू पैदा हुए जिनको बिहार का लेनिन कहा जाता था, है?
और एक से एक लोग हुए हैं। मैं बिहार बिहार से आता हूँ, मेरा जन्म बिहार में हुआ है, बेगूसराय मेरा घर है, बेगूसराय में दिनकर पैदा हुए हैं, बेगूसराय में मजबूत किसान आंदोलन हुआ है, बिहार में जो है बुद्ध पैदा हुए हैं, बिहार में जो है जैन मुनि पैदा हुए हैं, बिहार में जो है सिखों के गुरु पैदा हुए हैं, बिहार में जो है सहजानंद सरस्वती पैदा हुए हैं, बिहार में कर्पूरी ठाकुर पैदा हुए हैं, बिहार में वीर कुंवर सिंह पैदा हुए हैं, बिहार में लेफ्ट कमजोर तो हुआ है ना दो दशक में बिहार में, ये तो कमजोर तो हुई है, इसको हम कहां अस्वीकार कर रहे हैं, कमजोर हुआ है, बिहार की स्थिति पहले से खराब हुई है, इसको तो मैं स्वीकार ही कर रहा हूँ। और बतौर राजनीतिक दल अगर बिहार की स्थिति में दुर्दशापूर्ण हालत पैदा हुई है तो उसकी तो जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी।